अगर ये वीडियो पसंद आए, सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करो। हमारी आज की वीडियो जो हम अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, मगर उससे पहले ना मैं क्लिप दिखा रहा हूँ साइड में, जरा क्लिप को पहले देख लीजिए। जैसा कि आपने देखा, इनका नाम है हमारा बाबा सुरेश, जो अपनी केरला से बिलोंग करते हैं। और अगर आपके उनके बारे में बता दो थोड़ा बहुत, और इनके बारे में अगर बताया जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सांप पकड़ने का जो रिकॉर्ड है ना, वो इनके नाम पे दर्ज है। और रिकॉर्ड क्या, खैर इनका काम ही यही है, ये रेस्क्यूअर हैं। इन्होंने स्नैक्स, इतने स्नैक्स सेव करे अपनी लाइफ में, कम से कम नहीं तो जहाँ तक मैंने पढ़ा 50,000 से 55,000 के करीब तो उन्होंने सांप बचाए हैं, सांपों को रेस्क्यू किया है। इनको डेली कम से कम 200 से 300 कॉल्स आते हैं, सांपों के लिए भी, लोगों को बताने के लिए भी, समझाने के लिए भी। और अभी बात कीजिए रिसेंटली, तो इन्होंने कम से कम अपनी लाइफ में नाना करते हुए भी 181 के करीब तो इन्होंने किंग कोबराज पकड़े हैं, जिनमें कि इनको 600 सांपों ने काटा है, 300 तो वेनमस थे, जिनके मुंह से बोली कहावत है ना, मौत को छुके टक से वापस आ सकता हूँ, वैसी वाली। इसके पीछे का भी एक साइंटिफिकली रीज़न है, इनकी बॉडी में छोटा छोटा वेनम जा जाके इतना वेनम बन चुका है कि अब इनको ना ज़्यादा सांपों के इतना डसने से असर नहीं होता, ये बच जाते हैं। मेरे के लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़े सुपर हीरो हैं एक तरीके से अगर बोला जाए। अब इनके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं। अभी रिसेंटली बात है, इनको एक सांप ने काट दी। सांप था हमारा वाइपर, रसल वाइपर स्नेक। रसल वाइपर के काटने के पीछे ऐसी रीज़न है, अगर रसल वाइपर ने आपको जहाँ जिस जगह पर काट लिया, बहुत पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, जिस जगह पर काटा है वो जगह सूज जाती है, उनके जिस बंदे को काटा है उसके पेशाब में से यानी कि उसके टॉयलेट में से ब्लड निकलने लगता है। आगे चल के अगर इसका ट्रीटमेंट सही से ना हो पाया तो किडनी ख़राब हो सकती है, बिल्कुल किडनी पूरी डैमेज हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी वजह से, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं अभी सच बताऊं तो जिनके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता। ये मैसेज मैं बताऊंगा ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूं, किस पर्पज़ से बना रहा हूं। अभी अपने बीच में है ना, काफ़ी टाइम पहले अपने वो आए थे प्रिंस चार्म जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने तक इनसे अपने हमारे बाबा सुरेश जी से मिलने की कोशिश करी, मगर बाबा सुरेश जी नहीं मिल पाए किसी कारण से। हमारे केरला की गवर्नमेंट ने भी उनको बोला कि हम तुम्हें गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करते हैं, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं सोशलिज्म के लिए काम करना चाहता हूँ, तो वो इसलिए करते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे करके, और अभी रिसेंटली उनको काट लिया उस सांप ने, जिसके लिए वो 4 हफ्तों तक एक हॉस्पिटल में भर्ती थे अपने, जिसकी वजह से वो अभी सही हुए। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया इतने टाइम से क्योंकि मैं सोच रहा था हम लोगों की दुआ थी कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, तब हम उनके लिए वीडियो बनाएंगे। अब वो अच्छे हैं, काफ़ी बेटर है, और उन्होंने सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सब होने के बावजूद भी छोड़ा नहीं, उन्होंने उसके बावजूद भी सही होते ही अगले दिन डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होते ही उन्होंने एक और किंग कोबरा पकड़ा, यानी कि अपना 182 किंग कोबरा पकड़ चुके हैं फाइनली वो, बात की जाए उनकी तो। तो मैं कह रहा था बड़े बड़े चैनलों ने इनको कवर भी किया, लाइक जैसे अपने तमिलनाडु की साइड के या साउथ साइड के या वेस्ट साइड के बहुत सारे जितने भी हैं न्यूज़ चैनल, उन्होंने कवर किया। सबसे बड़ी बात एच टी वी रेटिन हम लोग सब देखते थे, मैं आता था OMG, उन लोगों ने भी हमारे सुरेश जी को करा है कवर वीडियोज़ में, काफ़ी वीडियोज़ में। बाकी मैं एक लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी ज़रूर चेक करना। और बाकी तब तक के लिए अब तो इतना है कि हमारे बाबा सुरेश जी बहुत सही हो चुके हैं, अब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। पहले बैठ के बात करते हैं, खड़े खड़े नहीं जा रहे। हाँ, बात है अपन रसल वाइपर पर। रसल वाइपर की बात की जाए तो उसका तो जहर होता है, होमोटॉक्सिन होता है, इसके काटने पर
जबड़ों में से खून आने लगता है, यूरिन में से खून आने लगता है, ठीक है। लोगों को इतना पेन होता है, इतना पेन होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतना हद से ज़्यादा पेन होता है। और 50% इन इंडिया में जितने भी सांपों के काटने की वजह से मौत होती है वो रसल वाइपर होता है। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं सांपों में कि पहला तो वो फ्री हैंडलिंग करते हैं, जितने भी बड़े से बड़े। अब हमारे ये थे बाबा सुरेश जी, बाबा सुरेश जी ने क्या करा, बाबा सुरेश जी ने भी यही करा, उन्होंने आज तक कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करा, कोई भी गैजेट यूज़ नहीं करा सांपों को पकड़ने के लिए। वो फ्री हैंड करते थे, जो भी करते थे फ्री हैंडलिंग करते थे सांपों से। और उन्हीं को देख के हमारी यूथ में 99% लोग अपना फ्री हैंडलिंग करते जानवरों के साथ में, रेप्टाइल्स के साथ में तो खासकर फ्री हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने फ्री हैंडलिंग की, आपने वीडियो में देखा किस तरीके से सांप ने काटा और क्या क्या हो गया। तो ये मेरा मैसेज है यूथ को, ये सांप 50% रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिया में लोगों की मौत की वजह से। इसका अगर ट्रीटमेंट ना मिले ना सही से, तो 4 हफ्तों तक इस सांप का जहर शरीर के अंदर में रह सकता है। गलती ये हो जाती है लोगों से, ये सांप दिखने में भी अजगर जैसा लगता है। कई लोग समझते हैं अजगर है, कई लोग समझते हैं ऐसा नॉर्मल सांप है, मगर हालांकि ये बहुत खतरनाक सांप है और हमारे को इससे बच के रहना चाहिए। पहली बात तो हमें फंडे इस पड्डे में पड़ना चाहिए, हाथ नहीं डालना चाहिए। कोई एक्सपर्ट बंदा हो, प्रोफेशनल हो, उसको देना चाहिए, वो आएगा वो पकड़ेगा। हम लोग नहीं करते, हम छोटे मोटे सब सांप पकड़ लेते हैं, वो भी हमारे पास गैजेट्स हैं उनकी मदद से, अदरवाइज हम नहीं करते। और ये मेरा मैसेज है यूथ को कि प्लीज़, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जिस तरीके से बाबा सुरेश जी बच गए उस तरीके से हर कोई नहीं बच पाता। अभी रिसेंट की बात है, राकेश कुमार जी, उन्हें भी इसी सांप ने काटा, तो सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया जिसकी वजह से हमारे बीच में नहीं रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, हमारे यूथ से, जितने भी एनिमल लवर हैं, रेप्टाइल लवर हैं और जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन सब से भी प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कभी भी विदाउट एनी गैजेट सांपों को ना पकड़ें। और अगर आपको नहीं पकड़ना आता तो बिल्कुल ही कोशिश मत करें सांपों को पकड़ने की, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा सांप कब क्या करे, ठीक है। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मेरा यही मकसद था मेन बोलने का अपनी ऑडियंस को, जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना और सब दुआ करना हमारे बाबा सुरेश जी के लिए कि आगे उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, और उनके लिए क्या, हर एक बंदे के लिए जो स्नेक रेस्क्यूज करते हैं, सबके लिए दुआ करना कि आज कोई भी आगे से ऐसा रेस्क्यू अपना इनके साथ इंसिडेंट ना हो ऐसा। तब तक के लिए खुश रहें, आप आद रहे अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रखें।